सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं साइबॉर्ग मूवी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबको ये पता है कि साइबॉर्ग की एक सोलो मूवी आने वाली है, लेकिन जब से डीसी के नए प्रोड्यूसर आए हैं तो लोगों को ये लगा कि साइबॉर्ग की ओरिजिन मूवी कैंसल हो गई है। लेकिन अब इस बात को कंफर्म किया है जो मॉर्टन ने, जिन्होंने जस्टिस ली मूवी में साइबॉर्ग के फादर का रोल किया था। तो उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है, उन्होंने कहा है कि साइबॉर्ग की मूवी कन्फर्म आएगी और उसकी स्टोरी जस्टिस ली के बाद की नहीं होगी। जी हाँ, उन्होंने ये बात ऑफिशियली कन्फर्म की है। उन्होंने बताया है कि साइबॉर्ग की मूवी में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में साइबॉर्ग की ओरिजिन है क्या, यानी साइबॉर्ग कहां से आया और वो साइबॉर्ग कैसे बना, उसके बाद उसे क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा। इस टॉपिक पर साइबॉर्ग मूवी बेस होगी। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि आपने जस्टिस लीग के ट्रेलर में जो भी सीन देखे थे साइबॉर्ग से रिलेटेड, वो सभी सीन रीशूट होकर आपको साइबॉर्ग मूवी में देखने मिलेंगे। अब डीसी ने उन सभी सीन्स को इसलिए काटा क्योंकि उन्हें साइबॉर्ग की एक ओरिजिन मूवी भी बनानी है, जिसके चलते उन्होंने साइबॉर्ग के सारे सीन्स जस्टिस ली की मूवी में से काट दिए। तो अब वेट कीजिए इस फिल्म के रिलीज होने का। वेल, मैं आपको इस फिल्म की रिलीज डेट और ईयर तो नहीं बता सकता। इतनी बात कर उन्होंने इस फिल्म का टॉपिक खत्म कर दिया, लेकिन मुझे लगता है हमें साइबॉर्ग की सोलो मूवी 2020 तक देखने मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि हमें साइबॉर्ग की मूवी कब देखने मिलेगी, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।